जयपुर के बैनार रोड पर नालिका फाटक के पास हथियारबंद तीन बदमाशों ने शनिवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लूटे और फिर ज्वेलर की स्कॉर्पियो लेकर भाग निकले। सूचना मिलने पर डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई है। शोरूम संचालक के मुताबिक लूटी गई ज्वेलरी की कीमत करीब 80 से 90 लाख रुपए से ज्यादा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। शोरूम से कुछ ज्वेलरी लूट करते हैं, शोरूम मालिक की ही गाड़ी में बैठ के फरार हुए, उसमें भी घटनास्थल से तब क्लू पुलिस को लगे, शीघ्र गिरफ्तार लगे। सर जो ज्वेलरी लूटी गई कितने की होगी, इस संबंध में अभी असेसमेंट? सर यहाँ से करीब 25 लाख 26,50,000 एक अमाउंट था और एक छोटी ब्रांच से जो कलेक्ट हुआ था वो करीब 5 लाख, दोनों अमाउंट करीब 31,50,000। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।